जनवरी 2020 जब मित्सुबिशी ने अपनी आखिरी कार लॉन्च की थी इंडिया में, और अब तो मित्सुबिशी अपने सबसे फेमस कार पजेरो को भी डिसकंटिन्यू कर दिया, जो कि डायरेक्ट डिफेंडर को टक्कर देने के लिए बनी थी। चाहे शाहरुख खान हो या महेंद्र सिंह धोनी, सभी बड़े सेलिब्रिटीज के पास पजेरो हुआ करती थी, और ये गाड़ी सिर्फ लग्जरी बायर्स को ही पसंद नहीं थी, बल्कि पजेरो स्पोर्ट ने दुनिया की सबसे खतरनाक रेस डाकर रैली में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, जिसमें इस गाड़ी ने 26 डाकर रैलीज में हिस्सा लिया और 12 में जीत हासिल की। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब पजेरो इतनी कैपेबल और अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, तब आखिर ऐसा क्या हुआ कि मित्सुबिशी को इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो साल था 1981 और टोक्यो ऑटो शो में मित्सुबिशी ने अपनी एक नई और ओवर इंजीनियर एसयूवी को लॉन्च किया, पजेरो। पर पजेरो की कहानी 1981 में नहीं, बल्कि उससे 8 साल पहले यानी 1973 में मित्सुबिशी लैंसर के साथ शुरू हुई। मित्सुबिशी ने अपनी गाड़ी की कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 1974 में जीत भी हासिल की, जिसमें बहुत बड़ा हाथ इस गाड़ी के ड्राइवर का था, जो कि आपको जान के प्राउड फील होगा कि वो इंडियन थे। पर उस टाइम पे जो बाकी जापानीज ऑटो मेकर्स थे, उनके नेट सेल्स में बहुत बड़ा हाथ एसयूवीज का था, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में लोग बिग एसयूवीज ही प्रेफर करते हैं। और तब स्टार्ट हुई मित्सुबिशी पजेरो की स्टोरी। एक फन फैक्ट, स्पेनिश में पजेरो का मतलब अलग ही होता है, तो सर्च करके जरूर देखना। इसीलिए स्पेन में इसका नाम मोंटेरो था। ये गाड़ी अपने टाइम से बहुत ही आगे थी, क्योंकि उस टाइम पे इसमें सस्पेंशन सीट्स मिलती थी, पावर स्टेयरिंग थी और टर्बोचार्ज इंजन भी था, जो कि और जापानीज एसयूवीज में नहीं थे। और अब मित्सुबिशी ने 1983 में पजेरो को डाकर रैली में उतारा। और अगर आपको डाकर रैली के बारे में नहीं पता, डाकर रैली इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि ड्राइवर्स और कार्स दोनों के लिमिट्स को हद से ज्यादा पुश करती है। पेरिस से स्टार्ट होते हुए सेनेगल की राजधानी डाकर में खत्म होती है, और यहाँ सिर्फ रैली कार्स ही नहीं बल्कि मोटरसाइकिल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। और डाकर रैली को जीतने के बाद पजेरो बहुत ही फेमस हो गई। फिर मित्सुबिशी ने पजेरो को लॉन्च किया, पर इसकी सेल्स एक्सपेक्टेड से कम थी, और इसका बहुत बड़ा रीजन इसका 3-डोर फॉर्मेट था। फिर क्या, 1983 में 5-डोर वेरिएंट लॉन्च हुआ और पजेरो की सेल्स स्काई रॉकेट हो गई। पजेरो को कस्टमर्स और कार क्रिटिक्स दोनों ने ही बहुत पसंद किया। पजेरो नाम अपने आप में ही एक ब्रांड बन गया था। इसमें मित्सुबिशी ने इतने सारे फीचर्स दिए जो कि इसके कंपटीटर्स जैसे लैंड रोवर डिफेंडर और लैंड क्रूजर में थे ही नहीं। और जब इसका सेकंड जनरेशन 1991 में आया, तब मित्सुबिशी ने इस गाड़ी को और भी एडवांस बना दिया। अब ये पहले से ज्यादा लंबी और चौड़ी थी, इसमें टर्बोचार्ज भी था, जो कि 90s में ज्यादा स्पोर्ट्स कार्स में ही देखने को मिलता था। और टर्बोचार्ज एक मिड-साइज एसयूवी में मिलना बहुत ही अनयूजुअल बात है। और जैसे जैसे साल बीतते गए, पजेरो की सेल्स भी बढ़ती ही चली गई, और अब मित्सुबिशी कॉन्फिडेंट था पजेरो को इंटरनेशनल मार्केट में लाने के लिए। और 1998 में मित्सुबिशी ने पजेरो को इंडिया में लॉन्च तो किया, पर हिंदुस्तान मोटर्स के साथ पार्टनरशिप में। और इस डील के कारण जब पजेरो का थर्ड जन भी आ चुका था, तब भी इंडिया में सेकंड जन ही 30 लाख का बिक रहा था। फिर 2012 तक ही इंडिया में पजेरो का सेकंड जनरेशन की बिक्री हुई। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में मित्सुबिशी ने पजेरो की फोर्थ जनरेशन तक लॉन्च कर दी, पर इसकी सेल्स अपने पूर्वजों की बराबरी नहीं कर पाई, जिसमें गाड़ी से ज्यादा टाइम की गलती थी, क्योंकि इस समय मित्सुबिशी ने इतने ज्यादा कांड किए थे। उस टाइम पे मित्सुबिशी जो कार बेच रही थी, उसमें काफी सारे डिफेक्ट्स थे, और मित्सुबिशी ने उनको बस इग्नोर या टाल दिया पता होने के बावजूद। फिर और भी बहुत सारे केसेस और इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चला कि अपने प्रॉफिट्स के लिए कंपनी ने बहुत सारे एरर्स को इग्नोर किया, और मित्सुबिशी ने लगभग 1,60,000 गाड़ियों को रिकॉल किया, जिससे उनके इमेज और कैश फ्लो दोनों को काफी बड़ा झटका लगा। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में मित्सुबिशी की बस पजेरो ही आई थी, मित्सुबिशी मोंटेरो भी लॉन्च हुई अराउंड 37 लाख प्राइस के साथ, जो कि बस पजेरो का फोर्थ जनरेशन था इंटरनेशनल मार्केट में। फिर पजेरो स्पोर्ट आई एंड नेक्स्ट मित्सुबिशी का ही इंडिया से टाटा बाय बाय हो गया, जिसके मेन रीजंस रॉन्ग प्राइसिंग और मित्सुबिशी का ही फ्रॉड एक्सपोज था। और अब मित्सुबिशी ने रेनॉ निशान मित्सुबिशी अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें से निशान का 34% मेजोरिटी शेयर है मित्सुबिशी मोटर्स में। पर जैसे मित्सुबिशी का डाउनफॉल हुआ, अब वैसे ही इंडिया में फोर्ड मस्टैंग की डिमांड बढ़ते ही जा रही है, और उसमें कुछ यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है।